पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के बुलंदशहर में गठबंधन के बसपा प्रत्याशी योगेश वर्मा ने रात 11 बजे नुक्कड़ सभा कर आदर्श संहिता की खुलकर उड़ाई धज्जियां। यही नहीं, बसपा प्रत्याशी की सभा में मौजूद बच्चों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बसपा प्रत्याशी के काफिले में चल रही दो कारों को कब्जे में ले लिया है और बसपा प्रत्याशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज करने की तैयारी में जुटी है। यह है बुलंदशहर के बसपा प्रत्याशी योगेश वर्मा, जो अपने ही मुंह से बुलंदशहर के ज्ञान लोक कॉलोनी में आयोजित नुक्कड़ सभा में दावा करते सुनाई पड़ रहे हैं कि आप लोगों का प्यार है इसलिए तो रात 11 बजे तक सभा में मौजूद हूं। ये जानते हुए भी कि चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं कि 10 बजे के बाद सभा को संबोधित करना आदर्श संहिता का उल्लंघन है, लेकिन इसके बावजूद बसपा प्रत्याशी खुलकर आदर्श संहिता की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। लेकिन जब मामले को लेकर कैमरे पर बसपा प्रत्याशी से उनका स्पष्टीकरण जाना तो नेताजी पत्रकारों को ही गलत ठाने लगे और दावा करने लगे कि आपकी घड़ी खराब है, मेरी घड़ी में तो अभी 10 ही बजे हैं। यही नहीं, सभा में मौजूद बच्चों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को देख बसपा प्रत्याशी योगेश वर्मा अपने समर्थकों के कारों के काफिले के साथ 9-2-11 हो गए, जबकि पुलिस ने मौके पर दो लग्जरियों को पकड़ कब्जे में ले लिया और योगेश वर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की तैयारी में पुलिस जुटी है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ बुलंदशहर में, मुद्दे हैं। नया ड्रामा सेंटर है, नया यहाँ जनता को ये कहा कि हम बुलंदशहर को दिल्ली रेलवे लाइन से जोड़ेंगे, एक गंगा का पुल भी बनना है यहाँ पे, और यहाँ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए शिक्षा को शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी है। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ, पूरे क्षेत्र की सड़कें बेकार खड़ी पड़ी हैं। ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सभी मुद्दों को आप कुछ नया क्या लेकर जनता के बीच आए हैं? जनता के बीच में तो जनता का दिल जीतने के लिए आए हैं। नई बात तो ये, और नई बात ये भी है कि भाजपा का सुपड़ा साफ करने आए हैं। जी जी, इससे बड़ी क्या बात होगी, भाजपा का सुपड़ा साफ करना है और जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करनी। अच्छा, बुलाई की बात की जाए, 11 बजे रहे इस समय और 10 बजे तक का टाइम है प्रचार करने का, तो इसमें आप क्या करेंगे? हमारी घड़ी में तो अभी 10 ही बज रहे हैं। 10 ही बज रहे हैं, आपकी घड़ी खराब होगी। जब तक जनता मिल रही है सब, मीटिंग 10 बजे तक की मीटिंग है, लेकिन जनसंपर्क थोड़ी रोक सकते हैं कोई, भाई निकल के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई जनता मोहब्बत करती है जनसैलाब जो सड़कों पे वैसी थोड़ी है, ये बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। आप अपनी जीत कितनी निश्चित मानते हैं? मेरी जीत ही जनता की जीत होगी, और जनता ने तय कर लिया है परिवर्तन करना। जनता चाहती है यहाँ पे गठबंधन का सांसद बनाना, ये जीत तो जनता की है। मैं तय करने वाला कौन होता हूँ, ऊपर वाला है, और बाकी सब कुछ जनता के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। यहाँ मतलब ऊपर वाले ने चाहा तो यहाँ अच्छी वोटों से यहाँ जो है गठबंधन यानी हमारी जीत होगी, और भाजपा को शिकस्त वाला मामला होगा, ऊपर वाले ने चाहा। फाइट किससे मानने हैं आप? फाइट तो देखो, मैं कहने लगूँ कि भाई हमारी फाइट उनसे है, भाजपा भी कोई फाइट वाइट में नहीं है, क्योंकि उनका जबरदस्त विरोध चल रहा है, फिर भी भाजपा से टक्कर है हमारी, और किसी से टक्कर भी नहीं है।